Hello dears, welcome back. I'm Varun Agrawal and this is your YouTube channel Mantra of the Biology. आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये टॉपिक और इसको टॉपिक को डिस्कस करने का जो हमारा मकसद है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. इस टॉपिक की अगर हम थीम के बारे में डिस्कस करें तो इसकी जो थीम है, ये जनरलाइज थीम है. दैट थीम इज एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द वर्किंग पर्सन. अगर आप एक कॉलेज ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन पे भी एप्लीकेबल होता है. अगर आप किसी जॉब में हैं और या बिजनेस में हैं, वहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है. और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं देन उन पे भी एप्लीकेबल होता है. वेल लाइक लेटर ऑन वी विल जस्ट फोकस ऑन द नेट एस्पायरेंट, बिकॉज हमारा जो चैनल है वो उन्हीं के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड है. बट अगर आप इसके थीम देखेंगे तो ये थीम हर कैटेगरी के लोगों पे अप्लाई हो रही है. ठीक है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसा जो बहुत एक हमारे यहाँ मास्क बहुत है, क्राउड की कोई कमी नहीं है. उन क्राउड में से हर पर्सन मेहनत करता है, बट कुछ लोगों की मेहनत ही उनके सपनों में साकार हो पाती है और कुछ लोगों की जो मेहनत है सपनों में साकार नहीं हो पाती है. आप देखते होंगे कि अगर आपके आसपास सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके, लेकिन उसमें से शायद 1-2% लोग ही सफल हो पाते हैं और रिमेनिंग लोग सफल नहीं हो पाते हैं. बिकॉज शायद वो 1-2% लोग कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, या कह सकते हो लाइक दे आर द मोर स्पेसिफिक टूवर्ड्स देयर एम, कि वो कुछ ऐसी दे डू समथिंग बियॉन्ड ऑफ देयर बॉक्स. पहले से ही चल रहा था, फालतू में तुमने बिगाड़ दिया. हेलो डियर्स, वेलकम बैक. आई एम वरुण अग्रवाल एंड दिस इज योर यूट्यूब चैनल मंत्र ऑफ द बायोलॉजी. आज का जो हमारा टॉपिक है और टॉपिक को जो डिस्कस करने का हमारा जो मकसद है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो टॉपिक है इसकी थीम बहुत जनरलाइज्ड है कि हम अपने नॉलेज को कैसे आउटकम में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो ये थीम हर कैटेगरी के लोगों पे अप्लाई होती है. अगर आप जॉब में हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप एक कॉलेज के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, और आप चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, और जिसके लिए हम बेसिकली हमारा जो चैनल डेडिकेटेड है या फिर हम नीट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, ये हर कैटेगरी के लोगों पर इसकी थीम अप्लाई होती है. ओके, हम बट जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मोर ओवर टुवर्ड्स द नीट एस्पायरेंट्स. देखिए, अगर आप नॉर्मली देखेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे आसपास के लोगों में देखते होंगे कि हर एक इंसान का कोई ना कोई सपना होता है कि जो वो चाहे वो नॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक एक्टर हो, हर एक इंसान का सपना होता है. बट एक अच्छा गाने वाला सिंगर बनना चाहता है, एक अच्छी एक्टिंग करने वाला एक्टर बनना चाहता है, एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन, एक अच्छा मेरिटोरियस पर्सन, एक अपने आप को एक अच्छे इंस्टीट्यूट में देखना चाहता है. बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो शायद हर एक अच्छा गाने वाला सिंगर नहीं बन पाता, एक अच्छा एक्टर, एक अच्छी एक्टिंग करने वाला एक्टर नहीं बन पाता, और शायद हर एक मेरिटोरियस स्टूडेंट शायद एक अच्छे डॉक्टर या एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाता. ये प्रैक्टिकल है, मैं नेगेटिविटी डिस्कस नहीं कर रहा, दैट्स द प्रैक्टिकल थिंग. क्योंकि 100 में से शायद कहते हैं ना कि 100 में से केवल 5% लोग ही अच्छे सिंगर बन पाते हैं, तो क्या जो 95% जो लोग अच्छा नहीं कर पाए, तो शायद कुछ ना कुछ तो कमी रह गई थी जो 95% लोग नहीं कर पाए. वैसे ही नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत लोग हैं, बहुत मास, एक मेजर मास एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं. बट क्या हर एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाता है? नहीं हो पाता. सो क्या हर लोगों का जो हर नीट एस्पायरेंट का नॉलेज लेवल आउटकम में कन्वर्ट हो पाता है? नहीं हो पाता. तो मैं आज वही पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो एक स्पेसिफिक 5% लोगों में और जो 95% लोगों के बीच में क्या गैप रह जाता है. मैं वो गैप के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ. ओके, देखिए, 5% वो जो किसी भी फील्ड में सेलेक्ट हो पाते हैं और 95% वो जो किसी भी फील्ड में सेलेक्ट नहीं हो पाते. देखिए, अगर हम नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नीट एग्जाम में
हर साल 10 लाख लोग अपीयर होते हैं, 10 लाख लोग अपीयर होते हैं, और उन 10 लाख लोगों में से 60% लोग, 60% जो कैंडिडेट्स हैं, वो 60% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो रियल में हार्ड वर्क करते हैं, ओके, जो अपने ड्रीम्स को साकार करना चाहते हैं, और 40% वो जो जस्ट ट्राई करते हैं, वो उनका काम, वो सिर्फ फॉर्म फिल करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाते, सो वो हार्ड वर्क नहीं करते, ओके, जस्ट फिल द फॉर्म। इवन उनको भी पता होता है कि वो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की है। अब 60% अगर आप देखेंगे तो 60% हुआ कितना आपका, 6 लाख, और वो जो 40% हुआ वो हुआ 4 लाख। तो मैं जस्ट उन 60% के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि 4 लाख को मैंने पहले माइनस कर दिया, बिकॉज जब वो खुद ही नहीं चाहते कि उनका लाइक मेहनत नहीं कर रहे, अगर उनमें ही विल पावर नहीं है देन फिर उनके लिए तो हर चीज ही नहीं हो जाती। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए नहीं है, उन 4 लाख लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो स्पेसिफिकली है उन 60% लोगों में से। तो अगर आप देखेंगे 60% मतलब अगर आप 6 लाख लोगों का जो क्राउड है, ये 6 लाख क्राउड लोगों का क्राउड, ये अपने आप को डॉक्टर बनना दिखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये मेहनत करते हैं, चाहते हैं कि इनके सपने साकार हो और एक अच्छा डॉक्टर बने, ओके। अगर आप उस 60% में से उन 60% को आगे सेग्रीगेट करें तो इन 60% में से एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का खर्चा अफोर्ड करना, एक्सपेंस अफोर्ड करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो हर कोई चाहता है कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिले जिससे उसको अच्छी फैसिलिटी मिले, एक्सपेंसेस कम हो और एक अच्छा डॉक्टर अपने आप को बनता देख सके। तो 60% में से अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो हमारे मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट्स अराउंड 25,000 सीट्स हैं, ओके। पहले तो इवन बहुत कम सीट्स हुआ करते थे, बट अब धीरे धीरे नए नए गवर्नमेंट कॉलेजेस आए हैं मैक्सिमम हर स्टेट्स में, तो वहाँ पे नए नए कॉलेज ओपन हुए हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स बढ़ गई है, पहले एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। तो 25,000 सीट्स हैं, मतलब 6 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं लेकिन उनमें से सीट्स कितनी है, 25,000, ओके। अब मैं उनके बारे में ही डिस्कस करूंगा 6 लाख लोगों के बारे में, तो मैं एक बार इनको रब कर देता हूं। तो देखिए सिचुएशंस कहां पे आती है, सिचुएशन मेन सिचुएशन जो क्रिएट होती है, 6 लाख लोग रियल में जो अपीयर होते हैं उनमें से केवल 25,000 लोग ही, स्टूडेंट्स ही अपनी नॉलेज को एक एज ए आउटकम, जो आउटकम क्या है कि उनका हर कोई इसलिए मेहनत कर रहा है कि वो डॉक्टर बने, तो मतलब उनका आउटकम क्या है कि वो डॉक्टर बने, तो उसमें से 6 लाख में से केवल 25,000 स्टूडेंट्स ही अपने एम को क्रैक कर पाते हैं, अपने एम को पा पाते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इसका जो सिलेक्शन रेशो है वो अराउंड 5% के आसपास है, मतलब 5% से भी सॉरी कम ही है ऐसे, तो 5% से भी बहुत कम है, तो 5% से भी कम है, इट मींस दो कैटेगरी के लोग हो गए इसमें, एक हुआ 5%, हम नॉर्मली 5% मान के चले, और 95%, मतलब 5% लोग जो सेलेक्ट हो पाते हैं और 95% उसमें से सेलेक्ट नहीं हो पाते, ओके। इट मीन्स 95% लोग मेहनत करते हैं बट उनकी मेहनत शायद उनके ड्रीम में कन्वर्ट नहीं हो पाती, ड्रीम को साकार नहीं कर पाते। 5% लोग जो मेहनत कर रहे थे और उन्होंने अपने सपनों को भी साकार किया। तो मेरा जो पॉइंट है, मैं उनके बीच के गैप के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं कि वो ऐसा क्या हुआ कि 95% ने मेहनत की है लेकिन क्या हो गया कि वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। स्टिल मैं आपको कितने भी पॉइंट्स दिखा दूं, कितना भी साइकोलॉजिकली आपसे डिस्कस कर लूं, स्टिल एंड स्टिल रेशो 5% ही रहेगा। मैं वो रेशो तो चेंज नहीं कर सकता, और रेशो कम होना बहुत जरूरी है जिससे ही एक क्वालिटी प्रोड्यूस होती है। ऐसा अगर मान के चलिए डॉक्टर्स की सीट आज जैसे इंजीनियर्स की तरह, अगर वही डॉक्टर्स की सीट ये 90 अगर सिलेक्शन रेट 5% ना होके अगर ये 85% हो जाए ना, तो क्या होगा, कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा और एक हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है, पूरा डैमेज हो जाएगा, जैसे इंजीनियर्स के लेवल पे हो चुका है। वहां पे तो इवन सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे तो आज तो सिलेक्शन क्राइटेरिया ही नहीं रहा इंजीनियरिंग में। 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, सीट्स 12 लाख है,
ये कंडीशन हो चुकी है इंजीनियरिंग में, जिसकी वजह से आज इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट डैमेज हो चुकी है. ओके, आज फिलहाल मेडिकल में ऐसी कंडीशंस नहीं है, और हम आशा करते हैं कि मेडिकल में ऐसी कंडीशंस ना हो. और इवन गवर्नमेंट भी ट्राई करती है कि मेडिकल में, हमारे हेल्थ सिस्टम में ऐसा कोई ऐसी कंडीशंस क्रिएट ना हो. तो मैं आज उन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं कि कैसे आपकी नॉलेज आउटकम में कन्वर्ट हो सकती है, और हम क्या चीज़ें मिस कर देते हैं ड्यूरिंग आर स्टडी की, जिसकी वजह से बहुत लोग अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते. बिकॉज 95% रियल इज अ बिग क्राउड, बहुत बड़ा क्राउड है. ओके, तो मैं आज वही आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं. देखिए, जनरली एट जनरल लेवल अगर आप देखेंगे, एट जनरल लेवल पे जो 95% लोग हैं, 95% लोग, ओके, जो 95% लोग हैं, उनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, दे हैव अ गुड नॉलेज. नॉलेज में अगर आप उनसे डिस्कस करेंगे तो उनका जो नॉलेज लेवल है सीरियसली किसी से कम नहीं होता. ओके, हार्डवर्क, इनका जो हार्डवर्क देखेंगे, इवन दे डू 8 to 10 आवर ऑफ स्टडी, इवन मोर देन दैट. ओके, अगर उन्होंने किसी कोचिंग में ज्वाइन किया है तो उस कोचिंग के लिए जो प्रैक्टिस सीट होती है वो भी वो सॉल्व करते हैं टाइम टू टाइम. ओके, और जिनके रेगुलर एग्जाम्स होते हैं किसी भी कोचिंग के, क्योंकि ऑल कोचिंग्स आर डूइंग वेरी गुड वर्क, सो हर तरह का कंटेंट वो भी प्रोवाइड करते हैं, रेगुलर एग्जाम्स. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इवन दे आर डेडिकेटेड टू, इवन दे आर डेडिकेटेड टू देयर एम. सो देखिए, इन पॉइंट्स को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए. दे हैव ए गुड नॉलेज, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू में रियल में उनमें कोई कमी नहीं होती है. ओके, दे ऑल हैव द गुड नॉलेज. ओके, हार्ड वर्किंग होते हैं, इवन दे डू द मोर देन 8 to 10 आवर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस सीट भी सॉल्व करते हैं, रेगुलर एग्जाम्स भी देते हैं, इवन दे आर डेडिकेटेड टू देयर एग्जाम, टाइम टू टाइम रिविजन भी करते हैं, रिविजन भी कुछ है इंपॉर्टेंट है, सब कुछ वो कर रहे हैं. और एक जनरलाइज जो एक पर्सन को करना चाहिए वो सब कर रहे हैं. आप कहीं भी पूछेंगे, अगर आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे कि ये हमने सब कुछ किया, हमारे पास नॉलेज भी है, हमने हार्डवर्क भी किया, जैसा ना हमारे टीचर ने बोला, हमारे स्कूल टीचर ने, या फिर हम जिस कोचिंग में भी पढ़ते हैं उन्होंने जो बोला हमने वो सब किया, बट फिर भी हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, हमारे अच्छे मार्क्स नहीं हो पाए. सो इट्स शायद मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ शायद और डिमांड करता है आपसे. ये तो पॉइंट्स आप में होने ही चाहिए, नो डाउट, अच्छी बात है. अगर आप ये पॉइंट्स आप में हैं, मतलब ये पॉइंट्स आप में अच्छे हैं, अच्छी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम शायद इन पॉइंट्स के अलावा भी कुछ आपसे और डिमांड करता है. ओके, कुछ और डिमांड आपसे करता है, तो वो पॉइंट्स जो उन 5% लोगों में है, मैं आपसे आज वो डिस्कस करूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या आपसे डिमांड करता है. ओके, और एक चीज़ और, ये पॉइंट्स आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे. ओके, ये पॉइंट्स आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे. ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मैंने अपने जनरल एक्सपीरियंस से फील किए हैं, तो वो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा. ओके, फाइव, देखिए, स्ट्रांग विल पावर, फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया में आना है देन यू शुड हैव अ स्ट्रांग विल पावर. मतलब आपकी जो विल पावर है इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपके एम को कोई डाइवर्ट ना कर पाए. कभी कभी होता है कि बहुत ऐसे हमारे एरिया में कुछ ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो हमें हमारे एम से डाइवर्ट कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, इतना बहुत मुश्किल है, अरे अच्छे अच्छे लोगों का नहीं होता, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो, इससे अच्छा तो कोई दूसरा कोई फील्ड ज्वाइन कर लो, फालतू में 2 साल खराब हो गए, 3 साल खराब हो गए, क्यों इसमें टाइम अपना दे रहे हैं. बट ऐसा कुछ नहीं होता. एक एवरेज स्टूडेंट्स भी, अगर अपने आपको मानते हो कि हाँ मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं किसी को एवरेज या टॉपर नहीं मानता. ओके, ऑल आर द सेम. बट अगर आपको लगता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट है, सो आप सेलेक्ट ही नहीं हो सकते, आप टॉप भी कर सकते हो. तो यू शुड हैव अ स्ट्रांग विल पावर. ओके, नेक्स्ट, सेल्फ
एक्सप्रेशन। ये मैंने जनरली अपने लाइफ में फील किया है कि जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं वो ज़्यादा सक्सेस रेट के करीब होते हैं। सक्सेस अगर आपके पास में कोई भी नॉलेज है तो उस नॉलेज को अपने पास मत रखिए, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए उसके बारे में, जिससे वो आपकी नॉलेज और अपग्रेड हो। अगर आपको कभी कोई क्वेश्चंस में कोई डाउट होता है देन उस क्वेश्चंस को वहीं मत खत्म कर दीजिए। फॉर एन एग्जांपल, अभी कोई आप सीट सॉल्व करते हैं या कोई एग्जाम देते हैं, मतलब जो रेगुलर एग्जाम्स होते हैं, मॉक एग्जाम्स होते हैं, उसमें से कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ उसको इग्नोर करके उसको ख़त्म कर देना है। उसको आपको डिस्कस करना है अपने टीचर के साथ में कि आपको इसका आंसर क्यों नहीं आया और उसका आंसर क्या होगा। सो जो लोग अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिनमें हेजिटेशन कम होता है, दे आर द मोर टूवर्ड्स देयर सक्सेस रेट। तो कभी बहुत लोगों में एक हेजिटेशन जैसा इशू होता है कि वो क्वेश्चन पूछने में शर्म आती है। सो यहाँ पे शर्म जैसा कुछ है ही नहीं, आपको हो सके जितना हो सके अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कीजिए, मतलब अपने आप आप लोगों से डिस्कस कीजिए अपने नॉलेज के बारे में, जिससे आपकी नॉलेज और अपग्रेड हो, और अपने टीचर से भी कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहिए, जिससे आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता सके। बहुत लोग अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स से अपने टीचर से डिस्कस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर हेजिटेशन, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने प्रॉब्लम्स को। तो ये जनरली लोग सक्सेस रेट के से थोड़ा दूर रहते हैं। तो जितना हो सके सेल्फ एक्सप्रेस रहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्वालिटी रखिए। दूसरा, सेल्फ एनालिसिस। व्हेनेवर यू आर डूइंग अ वर्क, कितना भी आप हार्ड वर्क करें, चाहे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसका सेल्फ एनालिसिस जरूर कीजिए कि आपका ये जो हार्ड वर्क है, ये जो आप स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो, क्या ये आउटकम में कन्वर्ट हो पा रही है। जैसे जब आप हार्डवर्क करते हैं और हार्डवर्क के बेसिस के ऊपर जब आप रेगुलर एग्जाम देते हैं, प्रैक्टिस सीट सॉल्व करते हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है कि आप किस पानी में, कितने लेवल पे आप हो। कितने लेवल पे आप हो, तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको हमने मेहनत की, लेकिन शायद रेगुलर एग्जाम्स में आपने देखा कि शायद आपकी आप उसके रैंक आपके उस लेवल पे नहीं आ पा रही है, देन वॉट यू नीड टू डू, आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। आप अपना तरीका चेंज कीजिए और दूसरा तरीका अडॉप्ट कीजिए। जितना हो सके जितना जल्दी करें उतना अच्छा होता है। सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, याद रखिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ एनालिसिस करना। मैंने बहुत बार बोला है, नॉलेज होना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उस नॉलेज को सही तरीके से यूज़ करना, ये कह सकते हो कि एक इंजीनियर्ड नेचर होता है। मतलब अपने आप को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और इसको करने से हमें कितना बेनिफिट होगा। अपने बारे में जरूर अपने आप से डिस्कस कीजिए। कहते हैं ना, ओके, इफ समटाइम इफ आई नीड एन एक्सपर्ट सजेशन देन आई टॉक टू माई सेल्फ। तो अपने आप को अपना एक्सपर्ट मानिए, ठीक है, एंड देन टॉक टू योर सेल्फ कि आप कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। नेक्स्ट, सेल्फ एनालिसिस के बाद में थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अपने आप को बॉक्स से थोड़ा बाहर सोचिए। देखिए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स में क्या है कि हम जनरली जो सारे फीचर हर स्टूडेंट फॉलो करता है, अब जो बच्चा कोचिंग में मेहनत करता है, अगर आप कोटा में देखेंगे तो बच्चे ना जाने दिन रात मेहनत करते, तो हर स्टूडेंट ये पॉइंट्स फॉलो कर रहा है। ओके, सो यू हैव टू डू समथिंग बियॉन्ड ऑफ द बॉक्स, मतलब अपनी सोच से थोड़ा सा आगे सोचना होगा अपने एम को पहुंचने के लिए। हर स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, मतलब आपको थोड़ा सा अलग करना होगा जब भी आप अपने एम तक पहुंच पाएंगे। और अगर आप ये सोचें कि हम अपने बॉक्स से बाहर कैसे सोचें, तो देखिए हर स्टूडेंट का एक क्वालिटी लेवल डिफरेंट होता है। तो ये आपको, आप जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते। और थोड़ा आई नो, लाइक ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट के लिए बॉक्स से बाहर सोचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ऐसा मोस्ट पॉसिबल जैसी इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यू कैन डू, जो IIT में मेंस को क्वालिफाई करते हैं, एडवांस क्वालिफाई करते हैं, दे हैव टू बी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जब भी वो बेटा एडवांस क्वालिफाई कर पाते हैं, अदरवाइज एडवांस क्वालिफाई करने के लिए वही स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाता है जो बॉक्स से बाहर सोच पाता है, क्योंकि उनका जो क्वेश्चन पेपर होता है रिपीटेडली तो होता नहीं है। एग्जामिनर को पता है कि उसे कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, तो वो क्वेश्चन वो स्टूडेंट्स के लेवल को जानता है, तो इसलिए वो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करता है। तो JEE मेंस में बेटा एडवांस में वही बच्चे क्वालिफाई हो पाते हैं जो बॉक्स से बाहर सोचते हैं। मतलब एक अपने
अपना कोई क्राइटेरिया नहीं बनाते कि मुझे सिर्फ इतना ही आता है, मैं इतना ही पढ़ूंगा। वो क्या, उनका क्राइटेरिया बॉक्स से बाहर होता है। जितना हो सके किसी भी टॉपिक में अगर आपको एक अच्छी नॉलेज है, फॉर एन एग्जाम्पल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगर आपको अच्छी नॉलेज है देन आप प्रैक्टिस इट सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस इट जो आपको मिलती है वो सॉल्व कीजिए, जो हम आपको देते हैं वो सॉल्व कीजिए। इवन वहीं तक लिमिट मत कीजिए, वहीं तक अपनी लिमिटेशन मत रखिए। मैं आपको अगेन समझा रहा हूँ, बहुत जगह इंस्टीट्यूट्स में ये बोला जाता है कि आपको जो प्रैक्टिस सीट दे रहे हैं दिस इज इनफ, बट वो इनफ रियल में नहीं होता है। आपको उससे थोड़ा सा और जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनको भी ट्राई करते रहना है, देन यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जितनी वेराइटी को आप फेस करोगे देन ही आप अपनी नॉलेज लेवल को स्ट्रांग बना पाओगे। ओके, नेक्स्ट ओके, एक काम करते हैं, ये जनरली आपका आई गया है तो इसकी तो जरूरत नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं कि मेरा एक्जेक्टली पॉइंट माइंडफुल स्ट्रेटेजी से था। माइंडफुल स्ट्रेटेजी, इफ यू आर डूइंग, इफ यू आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स देन ऑटोमेटिकली आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी माइंडफुल हो जाती है। माइंडफुल कहने का मतलब है आप जो भी कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन उस नॉलेज को ग्रैप करने के साथ साथ, जब आप नॉलेज ग्रैप कर रहे हो तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, बट वो जो नॉलेज ग्रैप करके, देखिए नॉलेज ग्रैप करके अगर आपको सिर्फ नॉलेज ही चाहिए देन इट्स ओके, अगर आपको नॉलेज से उसके आउटकम में कन्वर्ट करना है तो नॉलेज दो जगह यूज होती है, एक तो नॉलेज को ग्रैप करने में और उससे भी ज्यादा नॉलेज यूज होती है उसका आउटकम में कन्वर्ट करने के लिए। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि नॉलेज तो सब जगह है, तो 100% लोगों के पास नॉलेज है, लेकिन सोचिए 95% लोग सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, मतलब उससे ज्यादा नॉलेज लगती है अपने नॉलेज को आउटकम में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आ गया? मतलब उससे ज्यादा माइंड लगता है, दिमाग लगता है उसको आउटकम में कन्वर्ट करने के लिए। सो इट मीन्स कभी हम क्या करते हैं, हम मेहनत करते हैं बट हमारी जो मेहनत में हम जो अपना माइंड है, अपना जो दिमाग है वो केवल एक ही जगह लगा पाते हैं, वो सिर्फ नॉलेज को ग्रैप करने में। आउटकम में कन्वर्ट करने के लिए उससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती है और वो मिस कर देते हैं। आर यू गेटिंग मी? सो दैट्स व्हाई यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, याद रखिएगा माइंड में, आगे बता देता हूं, माइंड यूज एट टू प्लेस, दो जगह आपका दिमाग यूज होता है। एक जगह होता है जब आप नॉलेज को ग्रैप करते हैं, वो 100% लोगों में होता है, जो उन 60 लाख लोगों में होता है जो मेहनत करते हैं, बट उससे भी ज्यादा दिमाग चाहिए होता है उस नॉलेज को आउटकम में कन्वर्ट करने के लिए। सोचिए 95% लोग सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं तो शायद दूसरे लेवल पे दिमाग नहीं लगाया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे, ये सारे पॉइंट्स एक पर्सन में कहीं ना कहीं मिस होते हैं, जिसकी वजह से शायद वो आप उस लेवल पर, शायद एक पर्सन एक अपने नॉलेज को कन्वर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आप चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, किसी भी एम मकसद को देखते हो, ये सब जगह अप्लाई करेंगे। और इम्पोर्टेंट रीजन, ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल्स। बिलीव मी, आप हमेशा नेगेटिव पीपल से हमेशा दूर रहिए। किसी भी आप फील्ड के ऊपर खड़े हो, क्योंकि अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो 1000 लोग आपको गिराने के लिए आएंगे, तो उन लोगों से दूर रहिए। बिकॉज एनी नेगेटिव थॉट कैन नॉट प्रोड्यूस इंडियन नेगेटिव आउटकम्स। कभी भी एक नेगेटिव इंसान की थॉट नेगेटिव आउटकम में नेगेटिव थॉट्स कुड नॉट बी कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव आउटकम। एक नेगेटिव इंसान की थॉट कभी भी पॉजिटिव आउटकम में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सो ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल्स, क्योंकि नेगेटिव वो इसलिए हैं बिकॉज शायद वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, दैट्स व्हाई दे आर अ नेगेटिव। एंड वो आपको भी गिराने का ट्राई करते हैं बिकॉज वो नहीं चाहते कि अगर आप उठे, अगर हम नहीं उठ पाए तो आप भी नहीं उठोगे। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल्स। एंड कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो एग्जाम पेपर आता है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज देखिए कुछ नहीं होता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो इसलिए होता है बिकॉज मैंने बोला ना कि हमारी जो नॉलेज है शायद अभी आउटकम में कन्वर्ट होने के लेवल पे नहीं आई है। ओके, सो ट्राई बेस्ट एंड बेस्ट, जितना हो सके ट्राई कीजिए, अपनी नॉलेज को और अपग्रेड कीजिए, जब ही आप अपने नॉलेज को आउटकम में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए दिमाग को यूज कीजिए, और दो जगह,
एक तो नॉलेज को ग्रैब करने में और दूसरे के नॉलेज को आउटकम में कन्वर्ट करने के लिए। सो इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं और शायद आपको पता भी हो सकता है कि वो पॉइंट्स मैं यहाँ नहीं लिख पाया हूँ और शायद मैंने डिस्कस नहीं किए हो, शायद आपको भी पता हो। तो अगर आपके माइंड में है ऐसे पॉइंट्स तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, क्योंकि शायद वो मेरे लिए नहीं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें सब बच्चों के लिए जो शायद कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो वो भी अच्छे कमेंट भेजिए, और नहीं लगा हो तो भी आप अच्छे आप अपने नेगेटिव कमेंट भेज सकते हैं, हम सभी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, सो आई होप सो कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इसी के साथ मैं अभी आपसे फिलहाल विदा लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे आपसे हम हमारे नेक्स्ट बायोलॉजी के लेक्चर में, जो अभी हमने जो बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रखा है वहाँ पे। धन्यवाद।